सो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा HDR CC इफेक्ट अपने वीडियो में डालना है तो इस वीडियो में बहुत ही आसान टाइप से बताएं। बस आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है तो आप लोग ऐसा बहुत ही आसान टाइप से कर पाओगे। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, इसके लिए जो हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं उसका नाम है कैपकट। अगर आपके पास कीपैड नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो कैपकट को ओपन कर लेना, एंड कैपकट को ओपन कर लेने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना, जो भी वीडियो आप HDR में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड नीचे ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। देन इतना कर लेने के बाद क्या करना, इस वीडियो पर क्लिक करना। एंड इधर जो आपको स्क्रॉल करना है, इधर जो आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद इधर जो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको जो छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको शार्पन पे क्लिक करके इसको आपको फुल कर देना है, जिससे कि हमारा वीडियो शार्पनिंग टाइप हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर में आपको एक वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से रेड्यूस इमेज नॉइस पर क्लिक करके इसको जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। एंड यहाँ से साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद जो है आपको कुछ प्रोसेस होगा यहाँ पे, एंड हल्का वेट कर लेना है आपको। देन ये जो हमारा प्रोसेस हो जाने के बाद कंप्लीट आपको करना ही है कि बैक आ जाना है। देन उसके बाद जो इफेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, देन यहाँ से वीडियो इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से जो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, ये जो आपको यहाँ पर आपको एक HDR इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो पे आपको अप्लाई कर देना। देन यहाँ से डन कर देना। एंड उसके बाद जो आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा HDR इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये जो हमारा वीडियो HDR में हो जाएगा, इसको जो डाउनलोड कर लेना है।